नाम से प्रस्तुत करूंगा। मेरी बहुत सीमाएं भी हैं और कमजोरियां भी हैं और अक्षमताएं भी हैं, और जो लोग मुझे बारीकी से देखते आ रहे हैं वो समझते हैं कि मेरी सीमाएं क्या हैं और दुर्बलताएं क्या हैं। और उनमें से किसी भी व्यक्ति की जो सीमाएं, अक्षमताएं, दुर्बलताएं होती हैं, उनके पीछे उसके उसकी जीवन यात्रा, पृष्ठभूमि, उसकी जो भौतिक पृष्ठभूमि है, उनका योगदान रहता है। मेरा जीवन एक विस्थापित व्यक्ति का जीवन अधिक रहा, क्योंकि कई नगरों में बचपन से लेकर के मुझे रहना पड़ा है, मेरे पिताजी की नौकरी, स्थानांतरण की नौकरी होने के कारण। और उस तरह से मेरी शिक्षा नहीं हुई कि किसी गुरुकुल में लगातार बड़े पारंगत प्रकांड पंडितों से शास्त्र मैंने पढ़ा हो। वो मेरी संस्कृत जगत के जो मूर्धन्य पंडित जन हैं उनके उनके समक्ष मेरी कमजोरी आप कह सकते हैं। और सारे देश में कई जगह मुझे घूमना जाना होता रहा, विदेशों में भी बहुत अधिक आना जाना होता रहा, और जो सीमाएं मुझे प्राप्त थी अपनी पृष्ठभूमि से, उनको तोड़ने का प्रयास भी मैंने किया। उस सब का कदाचित परिणाम यह है कि संस्कृत जगत में मुझे कई बार आउटसाइडर भी समझा गया, या प्रशंसा में अगर कहा तो मेरे लिए कहा कि ये विश्व नागरिक हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र अंबिकादत्त शर्मा हैं, तो इसी तरह के मौके पर जब मुझे बैंकॉक जाना था तो कुछ वहाँ के हमारे विभाग के लोगों ने मेरी विदाई में आयोजन किया, और उसमें वो दार्शनिक हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बोलते हैं, जब हम ये विचार करते हैं कि प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी की प्रमाण मीमांसा क्या है और उनके ज्ञान मीमांसा क्या है, तो हम ये पाते हैं कि वो एक आउटसाइड, वो एक विश्व नागरिक है जो कि अपनी शास्त्र परंपराओं को बाहर से देख रहे हैं। उन्होंने बहुत इतनी बारीक सूक्ष्म शिक्षा के साथ मेरे पूरे पूरा जो मेरा कैरियर है उस पर उन्होंने एक बात कही और वो सही भी है। जैसा मैंने कहा कि मुझे अपने पिताजी से जितना जो कुछ मिल सका उसी का मैंने पल्लवन अपने जीवन में किया। मैंने रघुवंश 5 सर्ग उनसे पढ़े थे, और घर में चूंकि संस्कृत की पुस्तकें रहती थी तो मैं बचपन से ही बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता रहा, और पुस्तकालयों का और पुस्तकें पढ़ने का व्यसन होने का परिणाम ही एक तरह से राधा वल्लभ त्रिपाठी, क्योंकि मैंने शाकुंतल पढ़ डाला जब मैं 8वीं या 9वीं में था। तो जैसा मैंने, जो लोग ज़्यादा यहाँ तो नहीं है, कुछ रिसर्च शोध छात्र मेरे रचनाओं पर शोध करते रहते हैं, कुछ विश्वविद्यालयों में जो शोध कार्य कर रहे हैं, तो वो यहाँ उनमें से कोई हो, तो मेरा बड़ा लंबा साक्षात्कार द्रक पत्रिका के 11वें अंक में वनमाली विश्वाल ने लिया, करीब 40-45 पृष्ठों की वो बातचीत है। उसमें मैंने बहुत सारी बातें कही है, उसमें मैंने बताया, उसमें मैंने उनको कहा कि मैं शायद 14-15 साल का रहा हूँगा जब मैं शाकुंतल अपने घर में पिताजी की उससे अलमारी से निकाल के पढ़ रहा था, तो वो अपने कॉलेज से आए तो उन्होंने पूछा क्या पढ़ रहे हो, उनका शाकुंतल, तो एकदम से वो थोड़े से चौंक करके देखते रह गए, शाकुंतल पढ़ रहे हो, मुझे लगा वो कहेंगे कि ये तुम्हारे लायक बेटा ये नहीं है शाकुंतल, अभी मत फिर उन्होंने कहा कि अच्छा पढ़ लो पढ़। और वो मतलब और कोई पंडित गुरु होते गुरुकुल वाले तो शायद वो कहते कि नालायक, ये सब नहीं है तुम्हारे लिए, कि सरसिज मनोविद्यम शैव लेना फिर अम्य और अभी तुम्हारा कोंगी वगैरह पढ़ने की उम्र है। तो वो जो उदारता है उसका दाय मेरे साथ रहा है, और लिखने का मुझे कुछ व्यसन था, ये दुर्बलता भी मेरी थी। जो मुझे याद आता है कि मैं कक्षा 2 में जब था तब मैं कुछ लिखा करता था, मतलब तो क्लास से बाहर की चीज़ें, कि आज हम वहाँ गए, हमने
अपने गांव के बाहर ये देखा, हमने बगीचा देखा, जैसा एक आध पेज कभी मैं कुछ वाक्य लिखता था। उनका कोई संबंध जो है वो जो हमारी रूटीन चर्या है उससे नहीं होता था। किसने मुझे कहा कि ऐसा लिखना चाहिए, किसी ने कहा उससे, तो संस्कार लिखने का मुझे शायद छः सात वर्ष की उम्र से हिंदी में लिखने का है। और जब कक्षा 6-7 में हम आए, जब लगभग 12 वर्ष के थे, तो हमको संस्कृत में लिखने का पता नहीं कैसे कुछ कीटाणु हमारे भीतर प्रविष्ट हुआ कि संस्कृत में भी हम लिख सकते हैं। तो 7वीं 8वीं में आते आते, क्योंकि मैंने घर में बाणभट्ट की कादंबरी रखी थी तो वो पढ़ी, अच्छा समझ में आधा आए, चौथा ही आए, उसकी ज़्यादा हम चिंता नहीं करते थे। उस समय मैंने शेक्सपियर के नाटक पढ़ डाले, कक्षा 9 में मैं रहा हूँगा, आधा समझ में आता था, लेकिन ये था कि इसको पढ़ना चाहिए, बड़ी बढ़िया चीज़ है और ये शायद आगे समझ में नहीं भी आता है तो हमारे साथ रहेगी, ये सोच के मैं पढ़ डालता था, पूरी किताब पढ़ता था, कादंबरी पढ़ डाली। तो मुझे उसमें बड़ी चकित कर देने वाली बात ये लगी कि इसका एक वाक्य कई पृष्ठों में चलता है, ऐसा मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि और किसी भाषा में तो ऐसा नहीं लिख, हिंदी में तो ऐसा नहीं बन सकता है वाक्य, तो संस्कृत में ऐसा वाक्य बन जाता है जिसमें कि आपको तोड़ने की जरूरत नहीं, समाज आप इतना लंबा बना सकते हैं। और शायद छठी